ओके तो फ्रेंड कैसा लगा आज का प्रीव्यू स्टेटस, आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करने के लिए हम दो एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। पहला जो हमारा लाइट मोशन है एंड दूसरा जो है पीकार्ट एप्लीकेशन है। पीकार्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको जो लाइट मोशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। अभी न्यू वर्जन में पिन किया हूँ दोस्तों, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग अभी हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, उन लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इतना करने के बाद एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का प्रीव्यू स्टेटस आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों आप लोगों को हम क्या करना है दोस्तों, आपको जो पीकार्ट एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ साइज को क्रॉप करना होगा इमेजेस को, ठीक है। तो कैसे क्रॉप करना है, यहाँ से आपको प्लस आइकन पे क्लिक कर देना होगा, एडिट फोटो पे क्लिक कर देना होगा एंड आपको यहाँ पे गैलरी ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आपको कोई भी इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको कुछ इस तरह से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऐसा आपको ट्रोस पे क्लिक कर देना होगा, देन आपको क्रॉप पे जाना है एंड आपको स्क्रॉल करके स्टोरी पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे साइज कुछ फोटो के सब्जेक्ट में आपको आ जाना होगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। एंड आपको राइट पे क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लीजिएगा गैलरी में। एंड आपको बाइक करना है डोंट सेव पे क्लिक करके दूसरे इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करके क्रॉप पे जाके स्टोर पे क्लिक करके आपको भी साइज को सब्जेक्ट में ला के कुछ इस प्रकार से राइट पे क्लिक करके इसको भी सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपको टोटल जो है चार छह फोटो को इस तरह का इस साइज का क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद आपको बाइक आ जाना होगा ना, आपका जो लाइट मोशन है इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको वीडियो में बनाने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वीडियो में थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों लाइट मोशन को ओपन करेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। तब आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिल जाएगा, सुमित मा प्रोजेक्ट से एक प्रोजेक्ट दोस्तों, एक प्रिंसिप भी दिया हूँ एंड एक्सएमएल फाइल भी दिया हूँ, आप जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने के बाद आपको जो सॉन्ग प्रोजेक्ट दिख रहा है सिंपल से इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर का वो कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको मिलेगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक कर देना होगा, कलर फील्ड पे जाना है एंड आपको यहाँ पे सॉलिकन पे क्लिक करके आपने जो अलाइट अभी पीकार्ट एप्लीकेशन से जो आप स्टोर साइज जो क्रॉप किए इसमें उसको भी इसमें उसको सिलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पे प्लस सॉलिकन पे क्लिक कर दीजिएगा सिलेक्ट करके, ओके। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से आपको रेड कलर का मिल जाएगा इमेज, ठीक है। इमेज पे क्लिक करना है, कलर फील्ड है सॉलिकन पे क्लिक करके आपने जो क्रॉप किया है उस इमेज को सिलेक्ट करके आपको दूसरे इमेज पे क्लिक करना है, कलर पे जाके हिस्टोरिकल पे आके ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको जो सारे रेड कलर का दिख रहा है दोस्तों, इन सारे रेड कलर पे आपको स्टोरी साइज का इमेज को ऐड कर लीजिएगा, ओके। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे ऐड हो चुका है मेरा, ठीक है। ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाना होगा 1 सेकेंड 2:22 पे आने के बाद यहाँ पे इमेज को ऐड करना है। तो इमेज को ऐड करने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा एंड आपको मीडिया पे जाके कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप इमेज रखेंगे ड्राइंग, ठीक है। इमेज को ऐड करने के बाद आपको कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेना होगा एंड आपको थ्री डॉट पे जाना है, फिर कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके कुछ प्रकार से थ्री पे क्लिक करके इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद आपको जो सारे बिट दिख रहे हैं इन सारे बिट के हिसाब से आपको फोटो को अटैच कर लेना होगा। तो मैं सारे बिट के हिसाब से फोटो को अटैच कर लेता हूँ, उसके बाद स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कैसे कैसे बिट को यूज करना है। फोटो को अटैच कर लेता हूँ दोस्तों, लेट्स गो। ओके तो आप देखे तो मैं सारे बिट के हिसाब से यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद आपको बैक कर लेना होगा एंड आपका जो सेक फेयर प्रीसेट है इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको जो पहला वाला इफेक्ट दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा एंड आपको इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको कॉपी इफेक्ट करना है एंड आपको बैक आ जाना होगा एंड आपको जो सॉन्ग मैप जो है इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाना होगा 1 सेकेंड 22 पे, ठीक है। आने के बाद आपको इसको डाउन करने के बाद आपको जो फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा, इफेक्ट पे जाके आपको पेस्ट करना है एंड आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा दूसरे इमेज पे भी आपको पेस्ट करने के बाद आपको बैक कर लेना होगा। अपने फिर से सेक इफेक्ट को ओपन करके या सबको दूसरे फोटो पर क्लिक करके इसको भी कॉपी इफेक्ट करना है, आपको बैक आके अपना जो सॉन्ग मैप प्रोजेक्ट है फिर से उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना होगा 5 सेकेंड 2 पे आने के बाद फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाके आपको पेस्ट करना है एंड आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे जाके आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना होगा 11 सेकेंड 12 पे आने के बाद फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाके पेस्ट करना है।
पेस्ट करने के बाद आप वीडियो में देखेंगे थे दोस्तों कि इसमें बिजली भी कड़क रहा था, तो भी कराएंगे दोस्तों। लास्ट में आपको कैसे यूज करना मैं सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो में तक बनी रहेगा, इसमें आपको कैसे यूज करना बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बाइक कर लेना होगा, अपने सेकंड को ओपन करके या सबको तीसरे फोटो पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट करके बाइक आ जाना होगा। एंड आपको जो सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाना होगा। 11 सेकंड 25 मिनट बाद फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको एक इमेज को छोड़ के आपको 13 सेकंड 15 मिनट आने के बाद इसमें भी आपको पेस्ट कर लीजिएगा इफेक्ट को। एंड आपको बाइक आ जाना होगा ना, अपने सेक इफेक्ट को फिर से ओपन करके या सबको चौथे फोटो पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट करके बाइक आ जाना होगा। एंड अपने सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आ जाना होगा स्क्रॉल करके यहाँ पे, ठीक है। 12 सेकंड 20 मिनट बाद फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको बाइक करना है एंड अपने फिर से सेक इफेक्ट को ओपन करके लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करके इसको भी कॉपी पेस्ट करना है। एंड आपको बाइक आके सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आ जाना होगा स्क्रॉल करके यहाँ पे, ओके। 16 सेकंड 15 सेकंड 6 मिनट बाद फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना है। एंड आपको दूसरा वाला फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ से आपको जो एंड तक जो सारे इमेजेस ऐड किए रहेंगे उस तो यहाँ पे इन सारे इमेज पे आपको पेस्ट कर लीजिएगा इफेक्ट को, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है हमारा बचा दोस्तों लास्ट स्टेप, वो भी दोस्तों आप जो बिजली कड़क रहा था उसको आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए आपको पहले तो यहाँ पे आ जाना होगा 5 सेकंड 5 सेकंड 2 पे आने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है, जो आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो जो मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस लेकिन पे क्लिक कर देना होगा। आपको मीडिया पे जाके यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड में चले जाना दोस्तों। तो मेरा जो दोस्तों अलाइट यहाँ पे अलमेटरी में, ठीक है। तो मेरे अलमेटरी में जाने के बाद ये वाला हमारा रहेगा, ठीक है। इसको लेने के बाद आपको यहाँ कुछ प्रकार से इस पर क्लिक करना है, इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है। एंड आपको थ्री डॉट पे जाके फिल कम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन करना है। एंड आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे क्लिक करके लाइटन पे क्लिक करके स्क्रीन कर लीजिएगा, ओके। स्क्रीन करने के बाद आपको बाइक करना है। एंड आपको म्यूजिक मिल जाएगा, इसको ऑफ कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। ऑफ करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाना होगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे 11 सेकंड 25 मिनट आने के बाद इसमें भी आपको कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद आप देखेंगे हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। सेट होने के बाद आपको बाइक करना है, अपने फिर से बट को ओपन करके यहाँ से आपको मिल जाएगा इट्स राजपूत एडिट्स, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे इस वाले लेयर वाले पेंकिल पे क्लिक, लेयर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कॉपी लेयर करना है। एंड आपको बाइक आ जाना होगा एंड अपने सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट को ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे भी जो है लगाएंगे ब्लैक स्क्रीन वीडियो 5 सेकंड 2 पे यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करके पेस्ट लेयर करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड से क्लिक करना है, ठीक है। एंड आपको इसको नीचे ला देना होगा इसके, ठीक है। नीचे ला देने के बाद आपका स्टूडियो दोस्तों कम्प्लीट हो जाएगा, ओके। कम्प्लीट होने के बाद आपका स्टूडियो दोस्तों एक्सपोर्ट करना है अपने गैलरी में जो सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको सेटिंग के बगल में इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके कुछ इस प्रकार से एक्सपोर्ट कर दीजिएगा।